वेलकम बैक टू द चैनल जीवन एक सपना। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त ब्रजमोहन। दोस्तों एक वीडियो वायरल हुआ था 6-7 महीने पहले, जिसमें एक बाबा जी थे जो मोदी जी से मिलने जा रहे थे लेट कर। शायद आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। वही बाबा जी आज बदायूं से लखनऊ जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने। तो दोस्तों मुझे जब पता चला तो अभी वो हरदोई नहीं पहुंचे हैं, डिस्ट्रिक्ट हरदोई के 10 किलोमीटर पहले हैं। तो मुझे पता चला तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाते हैं वो बाबा जी जो कि योगी आदित्यनाथ जी से मिलने जा रहे हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे इस वीडियो में, चलेंगे बाबा जी से मिलने और आप लोगों को भी दिखाएंगे किस तरीके से बाबा जी जाते हैं और लेट के आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलते हैं बाबा जी से मिलने। दोस्तों ये वही बाबा जी हैं जो दिल्ली गए थे और इनका वीडियो भी वायरल हुआ था दिल्ली में। तो ये बदायूं से मोदी जी से मिलने दिल्ली गए थे और काफ़ी न्यूज़ में भी आए थे। आज ये यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने जा रहे हैं और अभी ये डिस्ट्रिक्ट हरदोई के पास हैं। पुलिस प्रशासन इनके साथ रहता है 24 घंटे और बाबा जी ऐसे ही दंड बैठक करते हुए आगे बढ़ते हैं, बिना दंड बैठक किए हुए बिल्कुल भी आगे नहीं जा। इस बार बाबा जी जा रहे हैं योगी से मिलने जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं और अपनी जो भी इनकी मांगे हैं उनको लेकर योगी जी से मिलने जा रहे हैं। और इनका ये कठिन तप जो ये दंड बैठक करते हुए जाते हैं, रोड पे दिन भर चलते हैं, शाम को थोड़ा विश्राम करते हैं और सुबह फिर चलने लगते हैं। तो बड़ा ही ताज्जुब होता है इनके इस कठिन परिश्रम से, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं ये बाबा जी। और बड़ी ही लगन और मेहनत से इसी तरीके से गर्म सड़क पे चलते हुए बाबा जी, और पैरों में पता नहीं क्या बांधे हैं, इनके पैर छिल जाते हैं इसीलिए पैरों में थोड़ा कपड़ा बांधे हुए हैं। और डेली कम से कम 5 या 10 किलोमीटर ऐसे ही चला करते हैं उनके पीछे। जिस थाना क्षेत्र की गाड़ी होती है, जो थाना क्षेत्र लगता है, उसी की सिक्योरिटी इनके साथ 24 घंटे बनी रहती है। 2-3 दिन पहले बाबा जी की तबीयत खराब हो गई थी तो इन्हें सरकारी हॉस्पिटल में दिखाया गया, वहां से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिफ़र किया गया था। तो इन्होंने बिल्कुल ही आगे जाने से मना कर दिया और बोला कि मुझे पीछे हॉस्पिटल में एडमिट कराओ, मैं बिना दंड बैठक लगाए हुए आगे नहीं जा सकता हूँ। तो इन्हें पीछे से ही इनका उपचार कराया गया, लेकिन बाबा एक कदम भी बिना दंड बैठक किए हुए आगे नहीं गए और पुनः स्वस्थ होने पर अपना काम जारी कर दिया और दंड बैठक करते हुए अपनी जो इन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है योगी आदित्यनाथ से मिलने, उसको पूरा करने के लिए आगे चल दिया। तो दोस्तों क्या है बाबा जी की मांगे, क्या करना चाहते हैं बाबा जी और क्यों ये दंड बैठक लगाते हुए योगी जी से मिलने जा रहे हैं, तो जानते हैं इनकी मांगे कि ये सरकार से क्या चाहते हैं। आइए बाबा जी से बात करते हैं। जी बाबा, कहाँ से आपने? मेरा नाम पुजारी राहुल शर्मा, ग्राम तिवारी, थाना इस्लामनगर, डिस्ट्रिक्ट बदायूं से मैं बिलोंग करता हूँ। 22/5/2018 को मैंने अपनी यात्रा शुरू की है और आज यात्रा का 325वां दिन है। दिल्ली गया था माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मिलने के लिए। यूपी पुलिस ड्यूटी टाइम निर्धारित एवं पुरानी पेंशन बहाल। की मांग, किसान छोटा या बड़ा हो कर्ज माफी एक समान की जाए, अन्यथा वो भी बंद की जाए। तीसरी मांग, जो आर्मी के जवान बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं उनके बच्चे जब तक वालिक ना हो उसकी शिक्षा एवं पालन पोषण का खर्चा सरकार करे। साथ ही अगर किसी शहीद की पत्नी दूसरी शादी करती है तो उसकी पेंशन पत्नी से हटाकर बच्चे या माँ बाप को दी जाए। चौथी मांग, हर विभाग की तरह पुलिस विभाग में ड्यूटी टाइम निर्धारित किया जाए और पुलिस की पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। पांचवी मांग, जो बच्चे मंदिर मस्जिदों पर भीख मांग रहे हैं इस पर रोक लगाई जाए और उन बच्चों को तत्काल ही अनाथ आश्रम में भेजा जाए।
छठी मांग, जो बच्चे बूढ़ी अवस्था में अपने माता पिता को घर से निकालते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान लागू हो। लास्ट मांग, हिंदू हो या मुसलमान जनसंख्या पर रोक लगे। और एक छोटी सी मांग उत्तर प्रदेश सरकार से योगी आदित्यनाथ जी से मैंने अपने लिए रखी है कि CBI द्वारा सभी मंत्री और सभी विधायकों की जल्द से जल्द संपत्ति की जांच करवाई जाए और उसका ब्यौरा मीडिया और जनता के सामने लाया जाए। दोस्तों, जो भी मांगे हैं बाबा जी की वो सभी जायज हैं और सर्व समाज के हित में हैं। तो दोस्तों, क्या है आपकी राय बाबा जी के बारे में? क्या योगी जी को बाबा जी से मिलना चाहिए और उनकी मांगे पूरी करनी चाहिए? मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो मिलेंगे फिर एक नए ब्लॉग, नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।